गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड पेइंग अटेंशन ऑन योर स्टडीज। टूडे इट इज डे 27 क्लास ऑफ SST ऑफ ग्रेड 5 एंड इन अवर प्रीवियस क्लास वी वर रीडिंग अवर चैप्टर 5 द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट DRC। नाउ टूडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर ऑन पेज नंबर 32 लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि DRC के लोगों का जीवन कैसा है। द पीपल ऑफ ज़ायरी बिलोंग टू मैनी डिफरेंट रेसेज, यानी कि बहुत अलग अलग रेसेज यानी कि जातियों से बिलोंग करते हैं, एंड स्पीक ए वराइटी ऑफ लैंग्वेज, और अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं। पीपल स्पीकिंग द बंटू लैंग्वेज फॉर्म द बिगेस्ट ग्रुप, और यहाँ के अधिकतर लोग बंटू लैंग्वेज बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन ज़ायरी लिव इन स्मॉल विलेजेस, और यहाँ के अधिकतर लोग स्मॉल विलेजेस में रहते हैं यानी कि छोटे गांव में रहते हैं। पीपल इन दिस रीजन आर क्वाइट टॉल एंड टफ, यहाँ के लोग जो हैं वो थोड़े लंबे और टफ होते हैं। दे हैव ए डार्क कॉम्प्लेक्शन, और वो थोड़े उनका कॉम्प्लेक्शन जो होता है डार्क होता है यानी कि थोड़े काले रंग के होते हैं। एंड शॉर्ट, और छोटे होते हैं, कर्ली हेयर, और उनके बाल कर्ली होते हैं यानी कि घूमे हुए होते हैं। दे फॉलो देयर ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, और वो अपने जो उनके ट्रेडिशनल वेज यानी जीने की जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं उनको फॉलो करते हैं। दे वियर लाइट कॉटन क्लोथ बिकॉज ऑफ ए हॉट एंड हुमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का तापमान DRC का हॉट और हुमिड होता है, तो वो बहुत हल्की कॉटन क्लोथ पहनते हैं। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डांस और म्यूजिक के फॉन्ड ऑफ यानी कि शौकीन होते हैं। फार अवे फ्रॉम द विलेजेस एंड इन द थिकेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट, यानी कि गांव से दूर घने जंगलों में लिव ए प्रिमिटिव ट्राइब नॉन एज द पिग्मीज, एक प्रिमिटिव ट्राइब रहती है जिनकी की बहुत पुरानी तरीके से जिंदगी जीते हैं, जिन्हें हम पिग्मीज बोलते हैं। दे आर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, वो भी कॉम्प्लेक्शन में डार्क होते हैं, एंड वेरी शॉर्ट अबाउट 1.5 मीटर्स एट हाइट, और उनकी हाइट बहुत छोटी होती है। दे गेट फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट फूड्स, वो लोग अपना भोजन जानवरों का शिकार करके या प्लांट फूड इकट्ठा करके करते हैं। दे लिव इन कैंप्स, वो कैंप्स में रहते हैं, विच दे ऑक्यूपाई फॉर ओनली ए फ्यू वीक्स, जो कि वो कुछ वीक्स के लिए ही बनाते हैं। देन दे मूव टू ए न्यू प्लेस, और उसके बाद में वो नई जगह चले जाते हैं। दे मेक हट्स आउट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, वो अपने जो झोंपड़ियाँ होती है ब्रांचेस और पेड़ों की पत्तियों से बनाते हैं। सिंस द वेदर इज हॉट एंड हुमिड द ट्राइबल पीपल डू नॉट वियर मैनी क्लोथ, बट ऑन स्पेशल ओकेजन दे वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम, यहाँ का तापमान हॉट और हुमिड होने के कारण यहाँ के लोग अधिकतर कपड़े बहुत कम पहनते हैं, और वो स्पेशल ओकेजन पे कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। दे इंजॉय सिंगिंग डांसिंग एंड टेलिंग स्टोरीज, उन्हें सिंगिंग डांसिंग और स्टोरीज सुनाने का बहुत शौक होता है। द कंट्री हैज ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, यहाँ पे इस कंट्री में रोड्स और रेलवेज का गुड नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क है। द सिटीज आर वेल कनेक्टेड विथ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और सिटीज कंट्री के दूसरे पार्ट्स से अच्छे से जुड़ी हुई है। लेक्स एंड रिवर्स आर यूज फॉर नेविगेशन, ज़ायरी हैज ए वेल डेवलप्ड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट भी अच्छा डेवलप हुआ है। लाइक अदर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज ज़ायरी इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग फास्ट, अदर अफ्रीकन कंट्रीज की तरह ज़ायरी भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। द पीपल ऑफ ज़ायरी आर प्राउड ऑफ देयर कंट्री, और जो ज़ायरी के लोग हैं वो अपने देश पर गर्व करते हैं।